मणिपुर में आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को कुछ लेना देना नहीं, होम मिनिस्टर को कुछ लेना देना नहीं। नफरत की राजनीति का नतीजा है द्वेष मणिपुर में हो रहा है। अगर मणिपुर आज जल रहा है तो नफरत की राजनीति के कारण जल रहा है। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से लेके आ गए आपके लिए फटाफट बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर मणिपुर में हिंसा जारी है। बिष्णुपुर में कार में बम लगाया गया था, धमाका हुआ बड़ा, जिसमें दो लोगों की मौत हो चुकी है, तीन लोग घायल बताए जा रहे। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है 3 मई से लेकर अब तक। वहीं मणिपुर के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि मणिपुर के हालात पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक, और इसमें 50 से ज्यादा दिनों से चल रहे दंगे को लेकर बात होने वाली है। खास ये बैठक आपको बताते चले, सोनिया गांधी ने जब वीडियो वायरल कर सवाल पूछा प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री अमित शाह से कि आपके दौरे के बाद भी क्यों हिंसा जारी है, इसके बाद कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। यानी सोनिया गांधी ने जब इन्हें कहा तब ये एक्शन ले रहे, ये गृह मंत्री बन बैठे। वैसे तो खेल मंत्री बनने के लायक नहीं है, लेकिन जब सत्ता में हो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहीं देखा जाए मणिपुर का हालात लगातार बिगड़ता जा रहा है। जहां आपको पहले की खबरों में बताए थे कि इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ फिर से इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। वही राज्य मणिपुर में अब तक देखा जाए तो हिंसा में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 10,000 से ज्यादा घर जलाए जा चुके हैं। लेकिन मौतों का आंकड़ा जिस तरह से गोदी मीडिया द्वारा कम दिखाया जा रहा है, ये सनसनीखेज में एक नया मुद्दा बनता जा रहा है। वहीं इसी के चलते आपको बताते चलें कि अब ट्विटर पर लगातार बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। अमृतकाल से लेकर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों का, सवालों का भंडार आ गया है। स्विस बैंक के पैसे कहाँ हैं, काला धन कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ हैं, वो अच्छे दिन वाले वादे कहाँ गए, गुजरात मॉडल कहाँ है और 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, सस्ता पेट्रोल गैस कहाँ है, सबका साथ सबका विकास कहाँ है, ये कोई और नहीं आम जनता सवाल कर रही है प्रधानमंत्री से। और आपको बताते चले अब गोदी मीडिया ये सब बयानबाजी नहीं कर पा रही, क्योंकि देखा जाए तो स्विस बैंक के पैसे अडानी और अंबानी को दे दिए गए, काला धन खुद के ऊपर खर्च कर लिया गया, 15 लाख रुपए रास्ते में रह गए हैं। अच्छे दिन की बात न की जाए, आप अच्छे दिन देख रहे हैं। और जो गुजरात मॉडल है वो मणिपुर मॉडल में बदलता जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार नहीं, यहाँ 1 रोजगार नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री। सस्ता पेट्रोल गैस जिस तरह से है आप देख रहे हैं, कल महंगाई के आंकड़ों पर कांग्रेस ने जिस तरह से हमला किया था ये सब ने देखा था। ऐसा एक और अपडेट निकल के आ रही, इसी बीच बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, बड़ी खबर निकल के आ रही। महाराष्ट्र में भी मणिपुर जैसे हालात होने वाले हैं। लगातार बीजेपी कर रही है हिंदू मुस्लिम की राजनीति। कोल्हापुर की घटना के बाद लगातार कांग्रेस हमलावर है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटेल ने बुधवार को फिर से केंद्र और एकनाथ शिंदे की सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाज में अशांति उत्पन्न करने तथा राज्य में मणिपुर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यानी चुनाव नज़दीक आ रहा है, सर्वे ने लगातार मुसीबतें बढ़ाई, अब फिर से वहाँ पर गंदी राजनीति की जा रही है। कांग्रेस नेता ठाणे जिले के कल्याण में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मणिपुर में मई से जिस तरह से हिंसा जारी है, इसको लेकर उन्होंने बड़ी बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया अब तक केवल 100 का आंकड़ा दिखा रही है, जब तक ये आंकड़ा 500 पार हो चुका है। यानी मौत का आंकड़ा 500 पार है, लेकिन देखा जाए जहां पर ये गुलाम वाली मीडिया लगातार सिर्फ और सिर्फ मौत के आंकड़ों के साथ साथ जले हुए घर को छिपा रही है। वैसे आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, विपक्षी एकता से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी से ज्यादा अनुभवी कई नेता आने वाले हैं विपक्षी एकता में, ये कोई और नहीं नीतीश कुमार का बयान निकल के आया है। वैसे आपकी क्या राय है, क्या पीएम मोदी से ज्यादा अनुभवी नेता विपक्षी दल में है, जैसे कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं बताते चले कि पटना में कल 23 जून को होने वाले प्रमुख विपक्षी ताकतों की मेगा बैठक होने वाली है, यहाँ महाबैठक जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि कई नेता जो प्रधानमंत्री मोदी से अधिक अनुभवी हैं और वो बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और अपनी राय रखने वाले हैं कि 400 प्लस सीटें किस तरह से लोकसभा चुनाव में लाई जाए और केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंके। वैसे आपकी क्या राय है, क्या विपक्षी एकता संभव हो जाती है, यानी महागठबंधन में बदलती है तो बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बजरंग दल के कार्यकर्ता समेत 3 हुए गिरफ्तार। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, लगातार सांप्रदायिक हिंसा के साथ साथ 2 अलग समुदाय के बीच हुई थी युति को लेकर मारपीट। उत्तर प्रदेश से खबर निकल के आ रही, जहां पर सनसनीखेज में लगातार योगी का बुलडोजर गूंज रहा था, वहीं अब देखा जाए फिर से बजरंग दल हावी हो रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। सहारनपुर में रेलवे कुटी कॉलोनी के अलग अलग समुदाय के
दो युवक युवती यानी हिंदू मुस्लिम मारपीट करने के मामले में बजरंग दल के दो कार्यकर्ता समेत भाजपा सहित महिला मोर्चा की जनमंडल अध्यक्षता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वही तीन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताते चलें कि मंगलवार को रेलवे कॉलोनी के अलग अलग समुदाय के बीच युवती को लेकर मारपीट होती है, जिसमें खासकर बजरंग दल पूरी तरह से एकजुट होकर पूरे समुदाय को घेर लेते हैं और दंगा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर यहीं पर बजरंग दल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वैसे आपकी क्या राय है, क्या यूपी में बजरंग दल भी नहीं चलने वाला है? अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के घोटालों की फाइल बना रही है कांग्रेस। जल्द ही भेजी जाएगी पीएम मोदी को घोटालों की लिस्ट। जिस तरह से महाकाल लोक में हुआ था घोटाला, सप्तऋषि की मूर्तियां जल गिर गई थी, वहीं देखा जाए सतपुड़ा में भवन जलाया गया, 12,000 फाइलें जला दी गई। ये सारा मामला कांग्रेस तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश चुनाव नजदीक आ रहा है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के में हुए घोटालों को लेकर अब उसकी फाइल तैयार कर रही है। और इस बार कर्नाटक में जिस तरह से 40% घोटाला किया जा रहा था, वहीं यहां पे अब तक देखा जाए तो 220 महीनों तक सरकार रही है बीजेपी की मध्य प्रदेश में। घोटाले उससे ज़्यादा हो चुके हैं, घोटाले 225 हो चुके हैं, यानी देखा जाए ये 100 पार हो चुका है घोटाले में। और वैसे देखा जाए मध्य प्रदेश में कुछ खास काम भी नहीं हुआ है। अब भिन्न भिन्न योजनाएं ला रहे हैं, लाडली योजना हो या कोई अन्य योजना हो जिसमें लुभाने की कोशिश की जा रही है। वैसे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्या इस बार मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस सरकार या नहीं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं अगली एक और खबर निकल के आ रही, मणिपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लगातार मांग की जा रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही, मणिपुर में बिना राष्ट्रपति शासन लगे कुछ भी नहीं होने वाला है, सुरक्षा बल पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। ये बड़ी आवाज मिजोरम यानी उसी के बगल के राज्य मिजोरम से उठ रही है। वहां के राज्यसभा सांसद ने यह बड़ी आवाज उठाई है कि जल्द से जल्द मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, नहीं तो मणिपुर हाथ से बाहर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश से भी बाहर होने वाला है और प्रधानमंत्री केवल तमाशा देखते रह जाएंगे। उन्होंने कहा, वही करीब हम 50 दिन से देख रहे हैं, लगातार मणिपुर में मानवीय हिंसा तेज होती जा रही है, राज्य के लोग नाखुश हैं, पलायन करने को तैयार हैं। अब तक 75,000 से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके, हमारी आत्मा घाव कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है कि प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। इसको लेकर अब मिजोरम आगे आया है और मिजोरम की अपील है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वैसे आपकी क्या राय है, क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद माहौल कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, विपक्षी एकता को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की पहुंच चुकी हैं पटना। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कल होने वाली है विपक्षी दलों की बैठक। इससे पहले लगातार विपक्षी दल के सभी नेता एकजुट हो रहे हैं, पूरा आवाम एकजुट हो रहा है। बिहार में एकजुटता होने वाली है विपक्षी दल की, और इसमें महबूबा मुफ्ती की, कश्मीर की महबूबा मुफ्ती की पटना पहुँच चुकी हैं। लालू यादव से करेंगे मुलाकात आज, वही नीतीश और तेजस्वी से भी होने वाली मुलाकात। इसी के साथ आज शाम तक ममता बनर्जी भी पहुंचने वाली है पटना। बड़ी खबर निकल के आ रही है, सारे विपक्षी दल के नेता एक साथ आ रहे हैं, और देखा जाए पटना में पूरी तरह से पोस्टर ही पोस्टर लगे हैं विपक्षी दल को लेकर। भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे भी लग रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट पर चलते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा जारी है, लगातार घायलों के साथ साथ देखा जाए मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मणिपुर, महाराष्ट्र और अब पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा का दौर जारी हो चुका है, तीनों राज्य तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर झड़प और हिंसा का दौर जारी हुआ और चुनाव से संबंधित कुछ लोगों की मौत का मामला बुधवार को ही सामने आया था, और ऐसे में फिर से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब 9 लोगों की मौत हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, लगातार हिंसा जारी है। अब इसको लेकर हाईकोर्ट का भी बड़ा फरमान आया है कि चुनाव जब तक हिंसा थम नहीं रही है ऐसे में चुनाव नहीं कराया जा सकता है। वैसे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। आखिर मणिपुर में बीजेपी सरकार नहीं है फिर भी हिंसा जारी है, ऐसे में क्या उनके कार्यकर्ता जो सत्ता में नहीं है वो हिंसा करा रहे हैं या कोई और कराना चाह रहा है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।